गोरखपुर का रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम जिले का एकमात्र ऐसा स्टेडियम है जहां शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा साबित करने के लिए प्रतिदिन सुबह से शाम तक जी तोड़ मेहनत कर पसीना बहाते हैं और अपने प्रतिभा को साबित करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। यहाँ खिलाड़ियों को अच्छी सुविधा मिले इसके लिए क्रीड़ा अधिकारी भी कुशल प्रशिक्षकों द्वारा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिलाते हैं, जिसके बाद प्रशिक्षकों द्वारा समय समय पर खिलाड़ियों का टेस्ट भी लिया जाता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से धन के अभाव में स्टेडियम की व्यवस्था सुदृढ़ न होने से खिलाड़ियों का प्रशिक्षण लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए खिलाड़ी मैदान में उतरते तो जरूर हैं, लेकिन सुविधा न होने के कारण निराश हैं। रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेल संसाधनों की उचित व्यवस्था न होने और बरसात के दिनों में प्रशिक्षण की लगातार समस्या बनी रहती है, जिसके कारण बारिश के दिनों में जन्माष्टमी, कुश्ती और कबड्डी के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण से वंचित रहना पड़ता है। यही कारण है कि ये खिलाड़ी बड़े प्लेटफॉर्म पर बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। रीजनल स्टेडियम के सुधार के लिए क्रीड़ा अधिकारी ने आला अधिकारियों को अवगत कराया। तत्काल प्रभाव से आला अधिकारियों ने समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए स्टेडियम में जिमनास्टिक, कुश्ती, कबड्डी और तरणताल की हाईटेक व्यवस्था के लिए धन आवंटित किया। इसके साथ ही पूरे स्टेडियम परिसर को असामाजिक तत्व से सुरक्षा के लिए लगभग 25 CCTV कैमरे लगवाने के आदेश भी दिया जा चुका है। स्टेडियम के सुंदरीकरण का कार्य उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ को दिया गया है। सुंदरीकरण का कार्य लगभग 2 माह तक पूरा किया जाना तय है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रशिक्षण ले रहे खिलाड़ी और क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी मंडल अरुणेंद्र कुमार पांडे ने कहा, नहीं तो सर अभी टॉयलेट है तो कमरा भी जाएगा, टॉयलेट भी रहते हैं, इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना सेम ये भी है, उसमें एक एसी लग जाएगा, एक कमरा एसी इसमें पर्याप्त है हमारे पास, डेढ़ टन की जरूरत नहीं है, छोटा कमरा है ना, छोटा वाला है, इसमें एक एक टन का एसी, दो टन दो एसी, एक एक टन का दो एसी कमरे के लिए, ये गेस्ट हाउस बन रहा है इसलिए इन फ्यूचर अगर तो आप देखें तो जैसे वो ऐसा है वैसे भी रहना चाहिए, इधर टंकी है सर उसी में कनेक्ट हो जाता था। देखिए इसकी छत दो एक शीशा दो एक सीट बदलना पड़ेगा, जो बदलना है सब सीट बदलने की जरूरत नहीं, उतना पैसा नहीं है, तो एक शीट जो टूटा वो एक ग्रिड आता है बीच में लगता है, हम गोदाम बनवाए थे क्योंकि हमारे गोदाम से भी ज्यादा हाइट लग रही है, वो सीट आपको बदलनी पड़ेगी, नहीं होगा तो उसको गोदाम वोदाम बनवाया था जंगल पास है इसके लिए हमारे पास वो आप कह रहे थे कि वो बदलना है ना, बाकी दोनों टॉयलेट बाथरूम की मरम्मत है, रंगाई पुताई है, विशेष इसमें विशेष है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले वर्ष 30 अप्रैल को घोषणा की थी कि स्टेडियम के विकास कार्य के लिए धनराशि दी जाएगी, उसी की कड़ी में धन प्राप्त हो गया है, कार्यदायी संस्था प्रत्येक है,
और इनके द्वारा मरम्मत एवं नए कामों को प्रारंभ करा दिया गया है। तो कौन कौन सा इसमें जगह है खेल का? इसमें हमारा जिम्नास्टिक हॉल की मरम्मत हो रही है, स्विमिंग पूल की मरम्मत हो रही है, डॉर्मेट्रीज हैं कई, उनकी मरम्मत हो रही है, खिलाड़ियों की सुविधा के लिए बहुत सारे टॉयलेट्स बाथरूम बनाए गए थे जो अच्छी स्थिति में अब नहीं है, उनकी भी मरम्मत की जा रही है जिससे खिलाड़ियों को इधर उधर भटकना ना पड़े। कब तक सर ये समस्या दूर हो जाएगी? ये 2 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा सारे काम। मेरा नाम विजय गौड़ है। अब यहाँ पे कौन से खेल में है? मैं कबड्डी से कबड्डी खेलता हूँ, मैं प्रैक्टिस करने आता हूँ यहाँ गोरखपुर स्टेडियम में। मेरा गांव रामपुर खुर्द है। और कुछ पूछना चाहते हैं? अभी इसमें जो है आपको पता है कि एक बहुत अच्छा हाल बनने वाला है? हाँ, मुझे मालूम चला है फिलहाल नया नया कि यहाँ पे जिम के बगल में मेरा कबड्डी हॉल बनने वाला है, मैट लगने वाला है, बहुत ही जल्दी हॉल बन जाएगा, तो उस हिसाब से हम लोग प्रैक्टिस भी अच्छी होगी, मेरा खेल बहुत आगे तक जाएगा, बहुत ही बच्चे नए नए आ रहे हैं, अच्छे अच्छे बच्चे निकलेंगे। हम खरों से आते हैं गोरी बाजार से, और हमें बहुत खुशी होगी ये जानकर कि कबड्डी हॉल बन रही है और हम लोग बहुत आगे जाएंगे। इसके लिए हम अपने सरकार द्वारा सबको धन्यवाद बोलना चाहते हैं कि हम लोग के लिए इतना कुछ कर रहे हैं और हॉल बनवा रहे हैं, हम लोग को बहुत खुशी होगी। क्या नाम है? मेरा अटल शर्मा नाम है, ग्राम करमाजीपुर बाबू टोले से आया हूँ, यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ रोज। देखिए क्या नाम है आपका? शिखा। आप? शिखा सिंह। हाँ,
मुझे खुशी है कि रीजनल में हमारे लिए ग्राउंड बन रहा है, कबड्डी हॉल बन रहा है। मैं चाहूँगी कि और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ोतरी हो। इस सुंदरी के कारण में नया जिम बनना है, नया कबड्डी हॉल बनना है, जो उत्तर प्रदेश में पहला एकमात्र ऐसा होगा जो कबड्डी कॉम्प्लेक्स होगा जिसमें सभी सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। तरणताल का पुनर्निर्माण है, उसके अलावा जितने भी भवन हैं उनकी मरम्मत का कार्य है, और एक अति महत्वपूर्ण कार्य है पूरे परिसर में 25 CCTV कैमरे लगाए जाने, जिससे कि स्टेडियम में हो रही गतिविधियों पर नज़र रखी जा सके। कौन सी संस्था द्वारा हो रही है इस कार्य को? UPRMNS जो पूर्व में पैक्सफेड के नाम से जानी जाती थी, उनके द्वारा कार्य कराया जा रहा है।